दोस्तों आपने सोचा है कभी कि हमारी दिवाली इतनी रोशन क्यों है? हम बताते हैं, हमारी दिवाली इतनी रोशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम अनार वाली लरी या फिर चाइनीज फुलझड़ी लगाते हैं। हमारी दिवाली इतनी रोशन इसलिए है क्योंकि सरहदों पे हमारी दिवाली को रोशन करने के लिए कोई अंधेरे में हमेशा खड़ा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की। भारतीय सेना ने इस बार भी हमारे दिवाली की खुशी को डबल करने के लिए और हम खुश रहे इसके लिए दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से हो रहे घुसपैठ को नाकाम किया है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है जिस पे हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में आगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस दिवाली आप एक दिया उन शहीदों के या उन सेना के घर पे भी जला के आएंगे जो कि इस समय हमारी दिवाली को धमाकेदार बनाने के लिए खुद की जिंदगी को दाव लगा के सीमा पे खड़े हैं। तो देखते हैं हमारा रिपोर्ट अगले सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर उरी के टंगडार सेक्टर में अपने दो सैनिकों के शहादत और एक नागरिकों का मौत का बदला चंद घंटों में लेते हुए पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक के बाद एक और जवाबी कार्रवाई करते हुए गुलाम कश्मीर की नीलम और लिपा घाटी में आतंकवादियों की चार लिंकिंग पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस कार्रवाई में करीब 10 पाकिस्तानी सैनिक के अलावे हिजबुल और जैश के 20 से 30 आतंकी मारे जाने की सूचना है। वहीं पाकिस्तान सेना की दो बटालियन पंजाब रेजिमेंट और मुजाहिद रेजिमेंट को भारी नुकसान पहुँचा है। भारत ने इस कार्रवाई में अपनी आर्टिलरी और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के साथ बोफोर्स तोप का भी इस्तेमाल किया था। देर शाम तक दोनों के तरफ से गोलीबारी होती रही। सेना प्रमुख बिपिन जनरल रावत ने सैन्य कार्रवाई की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। बता दें कि सेना ने 7 दिन के भीतर नीलम घाटी में यह दूसरी कार्रवाई है। नियंत्रण रेखा पर पाक गोलीबारी के बाद पिछले रविवार को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और दोबारा इस रविवार को भी पाकिस्तान को जवाब दिया है भारत ने।